बाखबर ज़राए का दावा है कि मुल्क में जारी माशी बोरहान के दौरान इमरान खान की जानिब से जारी इंतशारी सियासत की वजह से मुस्तकबिल करीब में इमरान खान की गिरफ्तारी का इम्कान पैदा हो गया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जमान पार्क और बनीगाला का सर्वे मुकम्मल कर लिया है ताकि जैसे ही अहकाम मौसूल हों PTI चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सके। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी शाम के औकात में की जा सकती है और इस पूरी कार्रवाई में 20 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा और मुतल्लिका हुक्काम ने ऐसा तरीका सोच दिया है जिसमें मज़ाहमत नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले वारंट हासिल किया जाएगा। इलाके की रैकी से मालूम हुआ है कि इमरान खान के पास अपनी रिहायशगाह से गायब होने के रास्ते मौजूद हैं, ताहम गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की सूरत में इन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक PTI फिलहाल इंसानी ढाल को गिरफ्तारी से बचने के लिए तैयार कर रही है। जमान पार्क में मौजूद अफराद की तादाद 400 से 500 के करीब हो सकती है। ये हफ्ते के आखिरी दिनों में ज़्यादा जबकि दीगर दिनों में कम रहती है, इसलिए पुलिस को गिरफ्तारी के लिए भारी नफरी की ज़रूरत पेश नहीं आएगी क्योंकि सिक्योरिटी हुकाम की तरफ से इमरान खान की गिरफ्तारी इन दिनों में अमल में लाई जाएगी जब जमान पार्क के अतराफ में रश कम हो। ज़राए का दावा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के फौरी बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इमरान की गिरफ्तारी में 2 से ज़्यादा टीमें हिस्सा लेंगी ताकि मज़ाहमती अनासिर को तकसीम किया जा सके और फौरी तौर पर गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। गिरफ्तारी के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों से मज़ाहमत करने और कानून हाथ में लेने वाले से किसी किस्म की रियायत ना बरतने और कानून की अमलदारी को यकीन बनाने का फैसला किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान की टांग का जख्म अब ठीक हो चुका है और गिरफ्तारी की सूरत में ये बात मेडिकल बोर्ड से भी साबित हो जाएगी। ज़राए का कहना है कि अगर गिरफ्तारी बनीगाला से हुई तो आसान साबित होगी। सियासी हलकों में इमरान खान की गिरफ्तारी की सोच बिला वजह पैदा नहीं हो रही बल्कि इसका एक काबिल फहम और मंतकी तनाजुर भी मौजूद है जिनमें बिलखसूस इनके खिलाफ अदालतों में दायर बाज़ अहम मुकदमात और रेफरेंस फैसलों के मुंतजर हैं जिन पर अहम पेशरफ्त का आगाज हुआ है। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की एक अदालत ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में अदालत में तलब कर रखा है जबकि ममनुआ फंडिंग केस में वो अबूरी जमानत पर हैं। गो के जमानत में चंद दिनों की तौसी तो कर दी गई है, ताहम जज ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर 10 फरवरी को इमरान खान अदालत में पेश ना हुए और कोई नई दरख्वास्त या अदालती हुक्म को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ कोई कदम उठाया गया तो जमानत खारिज कर देंगे। ख्याल रहे कि इमरान खान के खिलाफ इस वक्त मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में कई मुकदमात जेरे समात हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ सबसे अहम तोशा खाना के तहफ असासों में जाहिर न करने से मुतालिक फौजदारी मुकदमा है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर इमरान खान का मुबैना तौर पर करप्ट प्रैक्सिस के मुर्तकिब होने पर ट्रायल कर रही है। इस केस में इलेक्शन कमीशन साबिक वजीर आजम को असासों में तोशाखाना के तहफ छुपाने पर डिसीट कर चुका है जबकि फौजदारी कार्रवाई के लिए सेशन कोर्ट से रुजू किया है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट 137 और 170 के तहत फौजदारी मुकदमा दायर किया है। इस केस में जुर्म साबित होने की सूरत में 3 साल कैद या जुर्माने की सजा हो सकती है। माहिर कानून शाह खावर के मुताबिक फौजदारी मुकदमा साबित होने की सूरत में ना सिर्फ सजा होगी बल्कि इमरान खान पर नाअहली की तलवार भी लटक रही है। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी एक मुकदमा जेर समात है जिसमें एक शहरी ने साबिक वजीर आजम की जानिब से मुबैना बेटी छुपाने के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दायर कर रखी है। शहरी की दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी को छुपाया है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। इमरान खान पर इस केस में जुर्म साबित होने की सूरत में भी नाअहली की तलवार लटक रही है। शाह खावर के मुताबिक ये केस साबित होने पर साबिक वजीर आजम सादिक और अमीन ना होने पर नाअहल हो जाएंगे क्योंकि दरख्वास्त गुजार ने कागजात नामजदगी को चैलेंज किया है और कागजात नामजदगी में झूठ बोलना ताहयात नाअहली की तरफ ले जा सकता है। इमरान खान और इनके साथियों के खिलाफ FIA की जानिब से बैंकिंग कोर्ट में दायर एक मुकदमा जेर समात है। 2022 में इलेक्शन कमीशन की जानिब से ममनुआ फंडिंग केस का फैसला दिया गया था जिसमें PTI पर ममनुआ सोर्स से फंड हासिल करना साबित हुआ है। FIA ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की है। इमरान खान बैंकिंग कोर्ट से इस मुकदमे में जमानत पर है, ताहम आइंदा समात पर इन्हें हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है।
इस केस में एफआईए नेताहाल चालान जमा नहीं कराया, जबकि पीटीआई ने इस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू किया था, जिसके बाद मामला एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इजहार वजूह के नोटिस जारी कर दिए हैं, जिस पर तहरीके इंसाफ एक बार फिर मुफसल जवाब जमा कराएगी। इलेक्शन कमीशन जवाब से मुतमईन न होने की सूरत में ममनुआ जरिए से हासिल करदा फंड जब्त करने का इख्तियार रखता है। इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जेर इल्तवा है। ताहम इस नौयत की एक और दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट के सामने भी मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस मामले पर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने के लिए हाईकोर्ट से रुजू कर रखा है। इन केसेस की वजह से माहिरीन कानून के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी और नाहली के हवाले से कयास आराइयों और इम्कानात को तकवीत मिलती है। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।